शेखू सर और आर्ची मैम, जैसा कि अभी हमारे कॉमेडी सरपंच सुरेंद्र सर ने बताया कि मेरा फेस काफी सीरियस है, और मेरे को भी ये लगता है कि आप किसी के फेस को देख के ना उसके बारे में काफी कुछ जान सकते हो। जैसे मेरे को देख के आपको ऐसा नहीं लगता ये किसी ना किसी बुरे वक्त को भुलाने की कोशिश कर रहा है? अनजान आदमी ऐसे राह चलते कंधे पे हाथ रख देता, कहता सुनो सब ठीक हो जाए। मेरे मोहल्ले का भिखारी पूरे मोहल्ले में भीख मांगता, लौटते टाइम आधे मुझे दे जाता, रखो काम आएंगे। शेखू जी आपने देखो आजकल हम जब टैक्सी बुक करते हैं ऑनलाइन तो उसमें ओटीपी मांगा जाता है। तो मैंने टैक्सी बुक करी, वो बातें नहीं कर रहा यार मुझसे। मैं उसके पास गया, हाथ में मोबाइल छिल्ले के लिए, हम खुद देख लेंगे ओटीपी। फिर मेरा घर आने वाला था तो उसने गलत टर्न लिया। मैंने कहा गधे सुन, इधर से नहीं इधर से लेना था। अब वो चौंक गया, उसने गाड़ी रोकी, कहता सर आप हिंदी बोल लेते हो? मेरे को दिल पे लग गई। मैंने कहा अब जब ये बिल मांगेगा ना तब मैं बदला लूंगा। राइट कंप्लीट यू, सर प्लीज पे 243। अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ। करे सर प्लीज पे 243। मैंने कहा वैसे तो तमिल पैसे होगा, नहीं सोलो इतना का पुरिया बिल। और मैं बहुत वेला आदमी, मतलब मैं अकेला वेला नहीं हूँ, मेरा पूरा भोपाल शहर से, मतलब आपने कभी सुना होगा ना कि ऐसा काम मत करो चार लोग क्या कहेंगे, वैसा काम मत करो चार लोग क्या कहेंगे, तो मैं बता देना चाहता हूँ वो चारों लोग भोपाल से ही। उनमें से एक मैं हूँ, तीन अभी भोपाल में ही। आरती में मैं इतना वेला हूँ, कोई कपल अकेले में रोमांस कर रहा होता ना उसमें लड़की कहती छोड़ो कोई आ रहा, शायद वो कोई मैं हूँ। मैं इतना वेला हूँ, तुमने वो कहावत सुनी जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा। अच्छा ये बात तो आपको पता लग गई होगी कि ये बंदा वेला है तो ये बेरोजगार भी होगा। अच्छा कितने लोग यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से हैं? आपने हाथ थोड़ा बड़े वाल वाले भैया, वैसे भाई आप नहीं भी उठाते, पता चल रहा था आप साल भर के बाल एक साथ कटाते हो। नाम क्या भाई आपका? राहुल। एक तो ना नाम से पता चल जाता है कि बंदा मिडिल क्लास है। कैसे? मैं बता रहा हूँ, राहुल नाम के बंदों ने जब से होश संभाला इन्होंने घर ही संभाला। नहीं शाहरुख खान की मूवी में बहुत सारा कैरेक्टर का राहुल नाम का भी है। नहीं रियल में नहीं होता ना, इसलिए तो फिल्मों में डालना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात है, इन लोगों को पता है कि ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। दिक्कत उनके साथ आती है जिनको नहीं पता होता। जैसे मेरे को अपना खानदान समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन लोग हैं जो भूखे भी नहीं मर रहा और एक घटिया सी बाइक भी नहीं खरीद पा रहा। ये बाजार जाते हैं अंगूर का रेट तो पूछ लेते हैं, पर बिना खरीदे ही कॉन्फिडेंस के साथ दो तीन उठा के खा जाते हैं। बुरा तो तब लगता है जब मैंने लोगों के घर में अच्छी अच्छी बातें होती देखी, कोई पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है, कोई क्रिकेट पे। मेरे घर में सब बड़े मिलके एक ही बात कर रहे हैं कि वो ग्लूकोज वाले बिस्किट के पैकेट में पहले 16 आते थे, आजकल 12 ही आ रहे हैं। और पता शेखू जी, जब 16 आते थे ना, हम लोग 8 लोग थे घर में, हम दो दो बांट के खाते थे। उसने 14 कर दी, हमने बहन की शादी करा दी। उन्होंने 12 करे, भाई को दुबई भेजा हमने। एक दिन अफवाड़ गई, कहला भाई 10 होने वाले हैं, फिर दादी की दवाइयां छुपाई। या दादी बहुत याद आती हैं सच में। ओह गुड गॉड। आप मिडिल क्लास हो या किस फैमिली से हो, आपको बचपन से पता चल जाता है। जैसा मैंने देखा है कि आजकल के बच्चों की परवरिश काफी अच्छे से हो रही है। कोई बच्चा रोता है ना तो उसके लिए खिलौने आ चुके हैं, रिमोट कंट्रोल कार, एरोप्लेन वगैरह। मैं जब रोता था मम्मी पता क्या करती थी, किचन में जाती थी, उठाती थी एक कटोरी, मेरे सामने से घुमा देती थी। और मैं गधा हर बार देख के चुप भी हो रहा हूं। आरसी में मेरे भाई को बैडमिंटन खेलने का शौक था, उसे इन्होंने कुकर के ढक्कन से खिलवाया। और सिर्फ 7 बजे तक खेलने देते थे उसे। अच्छा क्यों? कहते थे सुनो आगे दाल चढ़ेगी। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स माय लाइफ। सुपर्ब। एक्चुअली आप बोलते हो कि आपका फेस बहुत सीरियस है, लेकिन मुझे आपका फेस बहुत क्यूट लगते, कार्टून कैरेक्टर के जैसे लगते हैं। मैम ऐसी तारीफ कर देती लड़कियां, फिर डीएम में रिप्लाई नहीं देती। ये भी नहीं देगी। चलो आर्ची, हाउ डिड यू लाइक द परफॉर्मेंस? हसीब, आई लव्ड योर परफॉर्मेंस। और आप बहुत बढ़िया स्टेज को पकड़ते हैं। थैंक यू सो मच। व्हाट आई लाइक्ड अबाउट यू हसीब,
आपका अंदाजे बयां जो है लोगों से बहुत अलग था. जब आप में कोई एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है USP, तो उसको लोग बहुत पसंद करते हैं. आई थिंक यू गॉट दैट, सो यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. हसीब, छोटा सा सवाल है. बोलिए सर. तुम्हारी उम्र क्या है? सर 28 साल. शादी हो गई? अच्छा शेखू जी, एक चीज होती है, एक होता है कि शादी होना और एक होता है घर में शादी की बात होना. यहाँ घर में शादी की बात तक नहीं हो रही. और ऐसा नहीं है मैंने इशारे दिए नहीं. अच्छा. मैंने बहुत इशारे दिए लेकिन घर वाले बेवकूफ इतने, उनको लग रहा है कि जो किचन में बर्तन गिर रहे हैं गलती से गिर रहे हैं. और लेकिन एक गर्लफ्रेंड भी होना चाहिए उसके लिए. और मैं इसलिए भी नहीं बनाना चाहता क्योंकि गर्लफ्रेंड के साथ एक दिक्कत आती है पता है रिलेशनशिप में, लड़की का बर्थडे. और मैं लड़की का क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि लड़के इतने कमीने होते हैं हमारे विश करने के लिए, इनके पास एक फोटो तक नहीं होती है. ये पता है क्या करते हैं शेखू जी, एक ग्रुप फोटो लेंगे, उसमें एक लाल सर्कल बनाएंगे, लिख देंगे यही लाल वाला. और लड़कियों को सच में मिल रही इज्जत. मैंने देखा था एक लड़की का बर्थडे था, उसका नाम रिया था. आर्ची में आप बताइए, एक केक में बर्थडे मनता नहीं मनता उसका. मन जाता ना, चार लेके आए, एक पे लिखना आर आई वाई ए. बहुत अच्छा आइडिया. बस मेरा इतना सही कहना, तुम साउथ तक मत पहुंचने देना. अगर लड़की ने कह दिया कि यार वो रिया वाला करते हैं, कहेगा सुन उसका नाम रिया था, तेरा नाम है हतीमुल्ला अपू मिला के शशिकला दे दूनी श्रीवर्धन. ये बंदा केक वाले के पास चला भी गया कि भैया केक दे दो, कहेगा इधर तूने लड़की पटाई जिला पटाया लिखवा के. और सुरिंदर सर मेरे साथ दिक्कत है पता है, मेरी कभी ऐसी गर्लफ्रेंड हो गई ना, मैं घर वालों को समझा भी नहीं पाऊंगा शादी के लिए. पापा पूछेंगे क्या नाम है उसका, मैं कहूंगा उसका नाम है हतीमुल्ला अपू मिला के शशिकला दे दूनी श्रीवर्धन. वो थप्पड़ मार देंगे, सुन इस्लाम में सिर्फ चार की इजाजत. चार कर भी मत लेना, एक ने ये हालत कर दी मेरी. पर तुम्हारी स्माइल बहुत क्यूट है. अरे थैंक यू. मेरी एक्स भी यही बोलती थी मेरे को. अच्छा. हाँ फिर छोड़ के चली गई. कितनी एक्सेस रही है तुम्हारी? 11. 11? देखो हम लोग सिंगल लॉर्ड ने, हम किसी से अच्छी बात होती है हम मान लेते हैं उसको. वो एक्स हो गई या प्रेजेंट हो गई? वेल डन. थैंक यू सो मच. ओके थैंक्स. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.